हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज आ गया है संडे एंड दिस इज अ रेसिपी डे। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं एक स्पेशल बंगाली रेसिपी। इसको बोला जाता है माछेर झोल, यानी कि फिश करी, जो बहुत लाइट है, बहुत हेल्दी है और कबीर को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इसको सबके साथ शेयर करो, बिकॉज ये रेसिपी पूरी फैमिली भी आराम से खा सकती है। पहले रेसिपी देखेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जितने भी हमने यूज़ किए हैं वो सब आपके सामने रखे हुए हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 पीस फिश, और उसके साथ जो मसाले हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून क्वांटिटी है। मसालों में है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और साथ में हमने लिया है 1 आलू और कटा हुआ धनिया। तो सबसे पहले फ़िश फ्राई करेंगे। फ़िश को फ्राई करने से पहले उसमें हल्दी और नमक डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि फ़िश फ्राई होने के बाद उसमें नमक और हल्दी का टेस्ट और कलर जो है वो अच्छी तरीके से पकड़ ले। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम हल्दी नमक डाल के पूरे फ़िश में अच्छी तरीके से इसको रब कर रहे हैं, और इसको हम अब फ्राई करेंगे आगे। अब आगे गैस ऑन करके उस पर चढ़ाएंगे हम एक नॉनस्टिक फ्राइंग पैन, और इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। फ़िश का जो ओरिजिनल ऑथेंटिक बंगाली टेस्ट है वो मस्टर्ड ऑयल से ही आता है, इसलिए हम इसको मस्टर्ड ऑयल से फ्राई करते हैं। तो 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह गर्म करना और उसके अंदर कुछ फ्राई होने से पहले उसका अच्छी तरह पक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये इंश्योर होता है कि फिश जो है वो आपका चिपके ना, और दूसरा जो मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से फिश के अंदर आ जाता है। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि तवा जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, और अब हम इसके अंदर जो हमारे फिश था जिसके अंदर हमने टर्मरिक और नमक डाला हुआ है ऑलरेडी, उसको हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इमीडिएटली उसके ऊपर लिड डाल देंगे, क्योंकि फ़िश फ्राई होने के टाइम पे मस्टर्ड ऑयल के काफ़ी बर्स्ट होके कुछ बबल्स बाहर आ सकते हैं, जो गरम तेल है वो बाहर आ सकता है, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर हम लिड डाल देते हैं। लिड हटा के देखिए तो एक साइड फ्राई हो चुका है, इमीडिएटली आप उसको पलट सकते हैं और दूसरी साइड जो है फ्राई करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पलटा हमने देखा कि फर्स्ट साइड जो है वो थोड़ा बहुत कुक हो गया है। अब दूसरी साइड जैसे ही पलटेंगे आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत पीसेस बाहर आ रहे हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए दोबारा से आप इसे ढक दीजिए और फ्राइंग प्रोसेस आप कंटिन्यू करिए। मस्टर्ड ऑयल हमने, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिया है, वो इसलिए क्योंकि फ़िश फ्राई हो जाने के बाद उसी मस्टर्ड ऑयल में बाकी की प्रिपरेशन जो है या बाकी की कुकिंग जो है वो कंटिन्यू होती है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो इसी तरीके से फ़िश को दोनों साइड से अच्छी तरह कुक करना है, और बीच बीच में आप टर्न करके देख सकते हैं। इंश्योर करना है कि लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ़िश की कुकिंग हो, वरना ओवर कुक या जलने का भी चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फ़िश जो है वो ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है या फ्राई हो चुका है। अब इसको एक ट्रे में हम अलग रख देंगे, एक प्लेट में अलग करके हम आगे का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और फ़िश को तब डालेंगे जब उसका रिक्वायरमेंट होगा, जो मैं आपको आगे प्रोसेस में बताता रहूँगा। तो अब आगे का कुकिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक आलू लिया और उसको अच्छी तरीके से पील कर लिया, और पील करने के बाद आलू के छोटे छोटे पीसेस करके हमने अलग रख दिए। जैसे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से पील करके आलू के इस तरीके से पीसेस करके हमने इसको अलग रख दिया है, और हम आगे आलू को फ्राई करेंगे। तो आगे का कुकिंग प्रोसेस कंटिन्यू होगा सेम ऑयल के साथ जिस ऑयल के अंदर हमने फ़िश को फ्राई किया है। जैसे मैंने बताया था कि 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल हमने लिया था, जिसमें से ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल जो है वो आपका पैन में बच चुका है। हमने गैस को मीडियम हीट में चढ़ाया और ऐड किया 1/2 टेबलस्पून जीरा फ्राई करने के लिए, और जैसे ही जीरा गोल्डन ब्राउन या हल्का सा फ्राई हो जाएगा उसके अंदर आप आलू ऐड कर दीजिए और आलू को फ्राई करना आप स्टार्ट करिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पहले जीरा डाला और उसके बाद आलू डाला, और उसको हम स्टर करके धीरे धीरे फ्राई कर रहे हैं। और इसी फ्राइंग प्रोसेस के बीच में आपको इसके अंदर ऐड करना है 1/4 टीस्पून सॉल्ट,
और 1/4 टीस्पून हल्दी या टर्मरिक पाउडर। आप ये मसालों की क्वांटिटी जो है वो अपने बेबी के एज के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। नमक जो है वो बच्चों को थोड़ा कम डालना ही अच्छा है, तो आप वो भी टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो आलू जैसे ही हल्का सा फ्राई हो गया, इसके अंदर हमने डाला एक ग्लास पानी और जितना भी आलू और मसाले हैं उस पानी के अंदर अच्छे तरीके से स्टर करके एक बार मिक्स कर लिया और फर्स्ट बॉयल आने का वेट किया। तो फर्स्ट बॉयल आने के बाद इसके अंदर बाकी मसाले जाते हैं, जो है 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, जो इंग्रेडिएंट्स में शुरू में मैंने आपको दिखाया था। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप अच्छी तरीके से इसको बॉयल होने दीजिए और बॉयलिंग प्रोसेस के टाइम पे आप इसके ऊपर एक लिड डाल के कवर भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सारे मसालों को एक बार स्टर कर लिया और इसके ऊपर एक लिड चढ़ा दिया और जो गैस है वो लो टू मीडियम हीट में हमने डाल दिया। तो 5 से 7 मिनट तक कुक होने के बाद आपको ग्रेवी इस तरीके से दिखेगी। तो जैसे आप चेक कर सकते हैं कि सारे आलू जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं और जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है। आप बीच में हल्का सा टेस्ट करके भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। तो अब फ़िश ऐड करने की बारी। आप फ़िश के जो फ्राइड पीसेस हैं वो इसके अंदर डालिए, ग्रेवी को हल्का सा स्टर करिए और उसके बाद इसके अंदर एक लिड डाल दीजिए और आगे का प्रोसेस जो है वो 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू होगा, जिसके अंदर आपकी फ़िश की प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, फ़िश बिल्कुल यहाँ पे रेडी है, बिल्कुल सिमरिंग हॉट टेम्परेचर है। इसके अंदर गार्निश के लिए कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड हमने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई नेसेसिटी नहीं है, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम गैस बंद कर देंगे और इसको टेम्परेचर में आने का वेट करेंगे, जिसमें ये कबीर के लिए खाने के लिए रेडी होगा। इस रेसिपी को सर्व किया जाता है बॉयल्ड या स्टीम्ड राइस के साथ और राइस के ऊपर आप हल्का सा घी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी बनाता है इस चीज़ को। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सारा फूड आइटम रेडी है, राइस आपके सामने रेडी है, उसके ऊपर हमने घी डाला हुआ है हल्का सा और जो फ़िश की ग्रेवी है वो भी हमने साथ में सर्व कर रखा है, जो कि बहुत ही डिलीशियस लग रहा है और बहुत ही अपीलिंग लग रहा है। बच्चों के लिए फूड का अपीलिंग लगना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उसका टेस्ट। तो आप इंश्योर करिए सर्व करने से पहले उसको गार्निश करना, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि बच्चा जो है इसको अपीलिंग समझ के ऑलरेडी उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाए। तो अब देखते हैं कबीर इसको कैसे इंजॉय करता है। कबू नहीं खा लिया, कबू नहीं खा लिया, कबू नहीं खा लिया। अच्छा, इसको भी पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माछेर झोल। क्या बोलते हैं? कबू कैसे बोलते हैं झोल? इसको इतनी तेज भूख लगी है कि अभी वो कुछ नहीं बोलेगा, उसको बस खाना है। इफ द फिश इज नाइस यू विल टेल योर डैडी। ये लो, ओ देयर इज अ बोन, देयर इज अ बोन। फिश में क्या होता है कबीर? या देयर इज अ बोन, एंड इफ द बोन कम्स इन योर माउथ विल यू लेट मी नो? Because you are not supposed to eat it, huh? And we take some soup from here. Because Kabir loves soup. So फू कर दो सूप को, फू फू कर दो, फू कर दो, फू करो पहले, फू करो, फू करो। दिखाओ, उसमें राइस भी डालना है। या राइस डालोगे थोड़ा सा? ओके, मिक्स सम राइस एंड नाउ फू फू एंड वी ईट. Yeah, with some rice. Now let's eat. Yummy. गाइज, आई होप आपको ये रेसिपी काफ़ी सिंपल लगी होगी। इसको बना के देखना, ये एक्चुअल में बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो इस रेसिपी से रिलेटेड आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सबसे पहला, किस एज ग्रुप के लिए आप ये दे सकते हो? तो 1 ईयर प्लस बेबीज को आप ये आराम से दे सकते हो। इसको राइस के साथ दिया जाता है तभी इसका टेस्ट जो है वो सबसे अच्छा आता है। बट मान लीजिए कि आपका बेबी अभी राइस नहीं खा पा रहा है, प्रॉपर चू करके नहीं खा पा रहा है, तो आप ये सिर्फ माछेर झोल भी बना सकते हो। इसका जो सूप है, मतलब जो करी है इसकी, वो सूप की तरह बच्चे को पिलाओ। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, कबीर को इसका सूप अलग से पीना अच्छा लगता है। आलू इसमें इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उसको मैश करके बच्चे को दे सकते हो, और फिश भी इतनी सॉफ्ट होती है कि आप उसके पीसेस निकाल के दे सकते हो। तो आप ये माछेर झोल बना लो और इसको एज इट इज पीसेस कर करके बच्चे को दे दो और सूप दे दो, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर बच्चा राइस ले पा रहा है तो 1 ईयर प्लस बेबीज इसको आराम से खा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या इसके बाद बच्चे को दूध दे सकते हैं? नॉर्मली ये फिश के बाद भी पूछा जाता है, तो हम हमेशा
हमेशा इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट, वैसे तो हम 2 घंटे का गैप इंश्योर करते हैं कि हो, बट अगर मान लीजिए कि कभी ने थोड़ा कम खाया और उसको भूख लग गई, तब भी हम इंश्योर करते हैं कि 1 आवर का गैप ज़रूर होना चाहिए बिटवीन मिल्क एंड ये मील में. और आप ये भी ध्यान रखो कि इस मील के साथ कभी भी दही मत दो, तो इस मील को एज अ स्टैंड अलोन मील ही रहने दो, और दही या कोई भी कैल्शियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके साथ मत इंक्लूड करो. अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप की फ़िश यूज़ कर सकते हैं. तो हमने हमेशा फ्रेश वाटर फ़िश ही कबीर के लिए यूज़ करी है, जैसे रहू हो गया, कतला हो गया. हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और डाल देंगे डिटेल्स, आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे ध्यान रखें कि बोन नहीं जाए. तो जनरली जो हम पीस चूज़ करते हैं उसमें जो फ़िश का बोन है वो बहुत ही कम होता है, बट फिर भी आपको अपने हाथ से मैश कर करके चेक करना है कि बिल्कुल जो मतलब स्लाइटेस्ट ऑफ कांटा भी है वो भी नहीं चले जाए, बिकॉज बहुत छोटे बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते एंड ऑब्वियसली अटकने का जो है वो डर रहता है. एक टिप ये है कि जब आप ये परचेज कर रहे हो तो तब आप वहाँ पे उन्हें बता दो कि जो पेट का पार्ट होता है फ़िश का वो आपको चाहिए, स्पेशली बेबी के लिए वो पार्ट जो है वो अलग रख लो, तो उसमें जो है आपको कांटा मिलेगा ही नहीं. बट अदरवाइज भी मैं ये बोलूंगी कि आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है कांटों को चेक करने का जब आप बेबी को ये खिला रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसको किस टाइम पे बच्चे को दिया जाए. तो आप लंच में दो, आप डिनर में दो, ये बहुत ही लाइट होता है ऑन द स्टमक. चावल की वजह से बच्चे का पेट भी भरता है और फिश में अपने आप में बहुत प्रोटीन होता है, आलू में बहुत अच्छा स्टार्च और डाइट्री फाइबर होता है, तो बच्चे का आराम से पेट भरेगा और उसको भूख इतनी जल्दी नहीं लगेगी. सो दैट्स इट. होप मैंने आपके सारे जो क्वेश्चन आ रहे होंगे इस रेसिपी से रिलेटेड वो आंसर कर दिए हैं. फिश को एक सुपर फूड माना जाता है और फिश जो है एक हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो अवेलेबल है नेचर में वो है. तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा फिश अपने बच्चों को दे सको उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी फिश में बहुत होते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. मैक्सिमम लोग फिश को लेके, स्पेशली बच्चों को लेके, इसलिए डर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि फिश के बाद बच्चा अगर दूध मांग लेगा तो डिसीजेज या कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं. अगर आप गैप मेंटेन करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बेफिक्र होके बच्चे को ये सुपर फूड ज़रूर दीजिए. हम कोशिश करेंगे कि और भी बंगाली रेसिपीज़ हम आपके लिए लेके आएँ. जैसे जैसे कबीर बड़ा होगा और खाना एक्सप्लोर करेगा बंगाली स्टाइल का, वो भी हम आपको डेफिनेटली ला के देंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर आया है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है गाइस. प्लीज़ लाइक करो ताकि हमें भी इनकरेजमेंट मिले कि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं. और सब्सक्राइब करना है तो नीचे रेड बटन दिया हुआ है, बट अगर आप रेड बटन हिट करोगे और उसके साथ बेल आइकन को हिट नहीं करोगे तो जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपका कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मिस हो जाएगा. तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू. बाय बाय.